और जैसे इस पृथ्वी से डायनासोर लुप्त हो गया है मेरे बहनों भाइयों, मुझे लगता है कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। बिग बॉस का घर बनी हुई है, प्रतिदिन एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पहाड़ चढ़ने लायक नहीं है मेरे बहनों भाई। उत्तराखंड के चुनावी पारे को पहले पीएम मोदी ने चढ़ाया, फिर पीछे पीछे राजनाथ सिंह आए और चुनावी जंग को नई धार दी गई। गढ़वाल लोकसभा सीट के गौचर में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के समर्थन में रैली करते हुए राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक कांग्रेस पर हमलों की बौछार की। ऐसी ऐसी बातें कांग्रेस के लिए कह गए कि कांग्रेस नेता तिलमिला गए। पहले राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस डायनासोर की तरह गायब होने वाली है, बच्चे भी कांग्रेस को नहीं पहचान पाएंगे। डायनासोर का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? डायनासोर देखा है? नहीं देखा है। जैसे इस धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही कांग्रेस अब लुप्त होती जा रही है। 2024 चुनाव हो जाने के कुछ वर्षों के बाद लोग ये पूछेंगे, कांग्रेस का नाम लेंगे, शायद बच्चे कहेंगे कौन कांग्रेस। फिर कांग्रेस की रियलिटी शो बिग बॉस से तुलना कर डाली। कहा, बिग बॉस शो की तरह कांग्रेसी हर रोज एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। और आजकल तो कांग्रेस सचमुच टीवी शो बिग बॉस देखा है कि नहीं? आपको बिग बॉस देखा है कि नहीं? बिग बॉस का घर बनी हुई है, प्रतिदिन एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। कांग्रेस पर ऐसे तीखे तंज करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन फैसलों पर आए जो केंद्र की सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने लिए हैं। एक एक कर विकास की नीतियां और फैसले प्रदेश की जनता के बीच रखे। पूर्व सैनिकों के मुद्दे पर भी खूब बोले। राजनाथ ने कहा, पीएम मोदी के दिल में सैनिकों के लिए हमेशा से सम्मान था, है और रहेगा। यही वजह है कि सरकार बनते ही उन्होंने वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू कर दी। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना था। पहले से परिचित। उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि वन रैंक वन पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए, तो उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आज मैं हरियाणा की एक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं जिसमें कि अधिकांश हमारे पूर्व सैनिक रहेंगे, और आप भी जानते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक लंबे समय से बराबर वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। मैंने कहा, आपका क्या मत है? उन्होंने कहा कि लागू, उन्होंने उनका कहना था कि लागू किया जाना चाहिए, और उस हरियाणा की एक बड़ी सभा में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी, हमारी सरकार बनेगी तो हम वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने सरकार बनने के बाद देर नहीं की और हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन यह सुविधा लागू कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस चुनावी बयान में उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा संदेश छिपा है। दरअसल टिहरी और पौड़ी जैसे इलाकों में रिटायर्ड फौजियों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। पिछले दिनों दो बार इसकी झलक दिखी है। टिहरी में प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने मंत्री का जमकर विरोध किया। नतीजा ये रहा था कि मंत्री को बिना प्रचार वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद देहरादून में बीजेपी का प्रचार करने पूर्व सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे, तो उस दौरान भी रिटायर्ड फौजियों का जमकर विरोध देखने को मिला था। कैंट विधानसभा क्षेत्र में वीके सिंह अंदर मंच पर पूर्व सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान कई पूर्व सैनिक कार्यक्रम छोड़कर बाहर निकल आए और नारेबाजी करने लगे। तब बीजेपी नेताओं की उनसे बहस और हाथापाई भी हुई। ऐसी तस्वीरों के बीच पीएम मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश में जब चुनावी रैली करने आए, तो उन्होंने भी मंच से कहा कि उनकी सरकार ने सैनिकों का हमेशा से सम्मान किया है और उनका ध्यान रखा है, वरना कांग्रेस सरकार में कभी ऐसा नहीं हो पाता। ये कांग्रेस थी जो कहती थी
कि वन रैंक वन पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए। और अब पीएम मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देवभूमि आकर सैनिकों के लिए बड़ी बातें कही हैं, जिसके गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं। यही नहीं, राजनाथ तो जाते जाते अनिल बलूनी के लिए भी बड़ा इशारा कर गए। बलूनी अभी राज्यसभा से सांसद हैं और इस बार गढ़वाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हेलो भाइयों, अनिल बलूनी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं, फिर से दोहराना चाहता हूं, आप लोग केवल सांसद नहीं चुन रहे हैं, वारे उत्तराखंड अकेले मंद इशारा काफी। बीजेपी के हर स्टार प्रचारक की जुबान पर पूर्व सैनिकों का मुद्दा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में सैनिक पृष्ठभूमि के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ज्यादातर परिवारों के बच्चे या तो सेना में हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। बीजेपी जानती है कि अगर ऐसे परिवारों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो चुनाव में पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए ठीक पीएम मोदी की रैली के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रैली के लिए भेजा गया और राजनाथ ने पहली चुनावी रैली सैनिक बहुल पहाड़ी इलाके में की, जहां सैनिकों को जन्म देने वाले परिवार ज्यादा हैं। हालांकि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि उनका विरोध मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन नेताओं के खिलाफ है जो उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं पर उनके आरोप हैं। बीजेपी जानती है कि पूर्व सैनिकों का गुस्सा चुनावी माहौल में ठीक नहीं है, इसलिए लगातार पार्टी के नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं और ऐसे विरोध प्रदर्शनों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।